नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम डिस्कस करते हैं राजनीति को, राजनीतिक मुद्दों को, राजनीतिक पैंतरेबाजी को, राजनीतिक बयानबाजी को, लोक लुभावन वादों को, और हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं उनकी उन सभी चालों को लेकर हम ये खास प्रोग्राम आप तक लेकर आते हैं, आपके समक्ष लेकर आते हैं। और इसमें हम उन सब बातों के ऊपर मंथना करते हैं, विचार करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमेशा की तरह होते हैं राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले और राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले पूर्व मंत्री चंद्रराजी सिंह भी। आपको हम ये बात जरूर कह देना चाहते हैं कि जिस तरह का माहौल आपके ही नहीं पूरे विश्व में चल रहा है और जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स है, जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह की चालें खेली जा रही हैं, उनके ऊपर आप थोड़ी निगरानी बनाए रखिए और ये जानकारी, जागरूकता रखिए कि किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरह से 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, आज भी हम उन मूलभूत आवश्यकताओं, मूलभूत चीजों के लिए नारेबाजी सुनते हैं, चुनावी घोषणा पत्र सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमली जामा कहीं पहनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जो भी है वो आते हैं, अपना समय निकालते हैं, उसी के ऊपर थोड़ी मरहम पट्टी करते हैं, बीमारी वैसे की वैसी मौजूद है। लेकिन आप लोग यदि जागरूक रहेंगे और हमारे इस तरह के कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो निश्चित रूप से आप ये जान पाएंगे कि जातिगत और अन्य तरीके के जो लुभावने वादे हैं, लुभावनी बातें हैं, उनसे आप ऊपर उठकर देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए काम कर पाएंगे। तो इस तरह का हमारा कार्यक्रम है, इसमें आप जरूर भागीदारी निभाइए और हो सके तो प्रोग्राम के बारे में कमेंट करके हमें अपनी राय से जरूर अवगत करवाइए। तो आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के करते हैं शुरुआत, चंद्रराज जी सिंह भी का करते हैं स्वागत। सिंह भी साहब स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। तो आज से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज के एक इंपोर्टेंट मुद्दे के ऊपर जो हमारे लिए बहुत बरसों से बहुत इंपोर्टेंट मुद्दा बना हुआ है, और ये मुद्दा है कश्मीर का। कश्मीर में जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, वहां कुछ पंडितों को बसाने की प्लानिंग सरकार कर रही है, विस्थापित परिवार हैं ये हिंदुओं के, इनको वापस ले जाने का जो ऐलान हुआ है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये फैसला ऐसे माहौल में, जबकि वहां हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट अभी तक बना नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो विस्थापन की प्रक्रिया है ये संभव हो पाएगी, इतने छोटे से जो लोगों को ले जाकर वहां बसा दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? ये तो उनके जान और जिंदगी को खतरे में डालने वाला प्रयास मानता हूं। जाने के पहले सुरक्षा होनी चाहिए, जाने वाले के मन में आप तो विश्वास पैदा करो कि मैं वहां सुरक्षित हूं, जाने वाले के मन में ये भावना पैदा करो कि मैं वहां जा रहा हूं स्थापित होने के लिए जा रहा हूं, स्थापित होने के लिए वापस नहीं जा रहा। इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि वहां पर ऐसा वातावरण पैदा करे, सुरक्षा का वातावरण पैदा करे, निश्चिंत रहकर के जीवन जीने की भावना का वातावरण पैदा करे, जीवन यापन की भावना का वातावरण पैदा करे, एक दूसरे के सम्मान का वातावरण पैदा करे, वहां के लोगों में, यहाँ के इन जाने वाले लोगों के प्रति हृदय में प्रेम और मोहब्बत की भावना पैदा करे। ये सब करने के बाद अगर बसाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसके लिए मैं बार बार कह चुका हूं, आपके चैनल पर कह चुका हूं कि छोटी संख्या में लोगों के भेजने से ये भावना नहीं बनेगी, वहां पर लार्ज स्केल लोगों को बसाना पड़ेगा, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ले जाना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके से करना पड़ेगा, और जाने वालों भी पड़ेगा जो वहां जाकर मुंह से भाव गए कि हम भारत से आए हैं, क्योंकि कृषि भारत का अंग है, हम भारत से आके अपने ही भाई, ऐसा करना अत्यंत आवश्यक भावना पैदा करे, उनमें साहस पैदा करे। पर मुझे ये आम लगता नहीं है। कश्मीर का जो वातावरण है वो एक अजीबोगरीब वातावरण है, भारत से जाने वाले लोगों को, भारत से निकाले गए लोगों को ही वापस बसाना उनकी उन भावनाओं में वापस आग पैदा कर देगा। वो तो मजा जब है जब कश्मीर के लोग कहेगा, आओ मेरे प्यारे भाइयों, तुम चले गए थे, हमें तुम्हारी याद आ रही है, आके रहो। क्या आपको लगता है ऐसी भावना बनी है? अगर ऐसी भावना नहीं बनी है तो भेजने का कोई अर्थ नहीं। जाने वाले के अंदर ये मजबूती होनी चाहिए कि मैं पुनः अपनी मातृभूमि में आ गया, मैं पुनः अपने देश के हिस्से में आ गया जहां से मुझे निकाला गया था,
मैं जमकर रहूंगा, यहां पर जमकर रहूंगा, दम ठोक के रहूंगा, ये भावना पैदा करो मोदी जी, इसके लिए कोई उपाय करो। तो इसका एक ही तरीका मैंने बताया था, लार्ज स्केल पर पेंशन शुदा लोगों को बसाओ, लार्ज स्केल पर अल्पसंख्यक जो वहां है उन्हें बहुसंख्यक बनाने की प्रयास में कुछ लोगों को बसाओ, एक प्रयत्न करो। मोदी जी आपके प्रयत्नों की ईमानदारी में आप तक किसी ने शक नहीं किया, लेकिन आपको राय देने वाले कितने बुद्धिमान है इस पर किसी ने विश्वास व्यक्त भी नहीं किया, इसलिए आप किसकी राय ले रहे नहीं ले रहे मैं नहीं जानता, मगर आपको लेना चाहिए, कश्मीर के लोगों की राय लेना चाहिए, आपको उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये लोग वापस आ रहे हैं, इन्हें गले लगाओ, इन्हें अपनाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो और चंद दिनों के बाद जाते हैं और ठोकर खाकर वापस आते हैं, पिटकर आते हैं, मार खाकर आते हैं, गरीब होकर आते हैं, स्त्री अपमानित होकर आती है, बलात्कारों की शिकार होकर आती है, इसे तो नहीं भेजना ही मेरी नजर में ज्यादा अच्छा है। उस एरिया को मजबूत करो, जहां भेजना मजबूत करो, चारों ओर सुरक्षा दो, ताकत दो, बड़ी संख्या में भेजो, उनको भी सशक्त रहकर जीने की ताकत देकर भेजो, तब आपके भेजने का स्वागत होगा, क्योंकि तब एक जाएगा तो दस और जाएंगे, वरना अगर दस भी चले गए तो लौट आएंगे तो फिर कोई नहीं जाएगा। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को मैं अभी तक इमेच्योर एक्सपेरिमेंट मानता हूं, मैच्योर एक्सपेरिमेंट नहीं मानता। गुड पॉइंट, आपने अच्छे से बात को रखा है, और ये बात सच है कि जब तक एक तो वहां जो मेजोरिटी का और माइनॉरिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, दूसरी बात लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक तरह का अविश्वास है, उसकी कोई शक्ति वहां उस तरह से कायम नहीं हो पाई है कि जिससे कि ये दहशतगर्द जो है, ये जो निजाम मुस्तफा के लोग हैं, इनमें वो दहशत कायम हो सके कि उनको डर पैदा हो कि इन हम एक हिंदू को मारेंगे तो हमें मारने वाले भी तैयार हैं, ये इस तरह का भी वहां तसव्वुर पैदा नहीं हो पाया है। इसके ऊपर फिर किसी दिन आपसे विशेष तौर पर बात करेंगे, कुछ सुझाव भी लेंगे जो भारत सरकार के पास जाएंगे कि किस तरह के और हमें एफर्ट करने चाहिए जिससे कि वहां पर ये जो एक हेजमनी इस्लाम के नाम पर चला रखी है, इसका क्या इलाज हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार जागरूक है, धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है, लेकिन फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है, क्योंकि पहले के जो इसमें नींव के अंदर जो पत्थर डले हुए हैं वो बहुत मजबूत हैं, वो खिसकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया है, तो लगे हाथ हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे इस मुतल्लिक इस सिलसिले में कि आप एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत जबरदस्त प्रशंसक हैं और उनकी आए दिन प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन साथ ही कांग्रेस को मजबूती की तरफ ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है आपकी बातों में, और इसके पीछे क्या कारण लगता है? देश देश देशभक्ति, भारतीयता, भारत की संस्कृति, हिंदुत्व, सनातन धर्म, राष्ट्रवाद के लिए मोदी की जय जयकार करना मैं उचित मानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि देश में कोई भी विपक्ष बचे ही नहीं, लोकतंत्र समाप्त हो जाए, विपक्ष समाप्त हो जाए। इसके लिए मैं मानता हूं आज की तारीख में पूरे राष्ट्रव्यापी कांग्रेस के अलावा कोई संस्था नहीं, इसलिए कांग्रेस का भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमि को निर्वाह करने तक बने रखना जरूरी मानता हूं। इसीलिए आज मैं गुलाम नबी आजाद से मिला, 1.5 घंटे मेरी उनसे बात हुई। मैं राजनीति हर काम राजनीति से नहीं करता हूं, मैं हर काम देश के हिसाब से करता हूं। मेरे राजनीति स्वार्थ की उम्र समाप्त हो चुकी है, लेकिन मेरी राष्ट्रभक्ति की उम्र अभी शुरू हुई, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। आप ही बताइए मेरे को क्या गलत है, अगर मैंने जाकर के गुलाम नबी से कहा है क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ही प्रांत बच गए हैं, आप इन्हें बचाओ, तो क्या गलत रहा है? क्या उनको नहीं बचाना चाहिए? क्या कांग्रेस देश से विलुप्त हो जानी चाहिए? मोदी के राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और धर्म की मैं रक्षा करता हूं, पर कांग्रेस मुक्त भारत की मोदी की कल्पना का मैं समर्थन नहीं करता। अपने अपने विचार है, आदमी वही समझदार और सच्चा होता है जो हर पहलू को पहलू के हिसाब से देखे। केवल हां में हां भरना, हां में हां भरना, यस मैन बनना, चापलूसी करना, जय जयकार करना, ये न तो मैं भाजपा के लिए कर सकता हूं, न मैं कांग्रेस के लिए कर सकता हूं। अब आप मोदी का प्रश्न है, मैं खुद पूछना चाहता हूं, अगर आज मोदी को राष्ट्रीय नेतृत्व में कोई चुनौती देने लायक है ही नहीं तो मेरा क्या दोष है, कांग्रेस का क्या दोष है? करे कांग्रेस नेता पैदा होता, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी के समक्ष कोई दूसरा आदमी नहीं है। ये तो छोटे छोटे नाम आ जाते हैं कई बार, राजनाथ के, गडकरी के, मैं इनको मत ही नहीं देता। इट इज नरेंद्र मोदी हु लीड द भारतीय जनता पार्टी, इट इज नरेंद्र मोदी हु लीड दिस कंट्री,
इट इज नरेंद्र मोदी हु लीड द आर्मी, इट इज नरेंद्र मोदी हु लीड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसलिए नरेंद्र मोदी की जयकार करता हूं। लेकिन इट इज दी कांग्रेस हु कैन बी अ गुड अपोजिशन पार्टी, हु शुड बी अ गुड अपोजिशन पार्टी, इसलिए कांग्रेस के नेताओं से मिल लेता हूं। आज आपने मेरी और गुलाम नबी की मुलाकात के बारे में सुना होगा, तो मैं गलत नहीं करता हूं। आफ्टर ऑल व्हाट इज माय पर्सनल इंटरेस्ट, हमारी 78 साल की उम्र में हमारा रीच स्वाद क्या बच गया, हम अब पक्के भूखे नहीं है, हमने बहुत पद पर प्राप्त कर लिए, और पद के बाद कद जो है वो जनता देती है, पद कद को कभी नहीं दे सकता, और कद पद से बड़ा होता है, पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए मैंने जब गुलाम नबी से आज मुलाकात की, जैसा कि आपको मैंने बताया था, मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस को राजस्थान में बसना ही चाहिए, आप नहीं बचाओगे तो चली जाएगी। वर्तमान स्थिति में कांग्रेस 25 सीट के लायक है अगले चुनाव में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सचिन आएगा तो क्या होगा, क्योंकि 75 आ जाएगी, राज बनाने लायक तब भी नहीं है। लेकिन मेरे जैसे निष्पक्ष आदमी जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, अगर वे मदद करेंगे तो दोनों पार्टियों में टकराव होना चाहिए, कम से कम छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों का तो इज्जत बचनी चाहिए, यहां से भी हटा दो, फिर कह दो इट इज भाजपा माइनस जीरो, भाजपा के अलावा कोई है नहीं, ये स्थिति उचित नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, आपको किसी भी युद्ध का परिणाम देख लो, एक एक करके जब सारे योद्धा मर गए तब रावण को मरना पड़ा, जब तक मेघनाथ जिंदा था, कुंभकर्ण जिंदा था, रावण नहीं मरा था। तो आप परिप्रेक्ष्य में किसी को एक को तो जिंदा रखो, आप सपा खत्म हो चुकी, अकेले का पारा खत्म, लालू जी का खारा खत्म, शरद जी को आप आने नहीं दोगे तो बचेगा कौन? आप कह दो फिर कि 542 सीएमपी कांग्रेस को नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया जाए, चुनाव होने नहीं चाहिए, क्या आप ऐसा चाहते हो, क्या देश ऐसा चाहता है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं हर पार्टी से मिलता हूं, हर पार्टी से मेरा संबंध है, मैं किसी पार्टी का बंधक मजदूर नहीं हूं, हर पार्टी की आलोचना भी करता हूं, दस परिचय तो प्रशंसा भी करता हूं। इसलिए जब उन्होंने सचिन के बारे में पूछा तो उनका यस ही हैज द टैलेंट, ही हैज द गट्स, ही हैज द स्ट्रेंथ, ही हैज द पॉपुलैरिटी, ऐसे आदमी को आगे लाना चाहिए। अब आप क्या लाते हो, किसको लाते हो, ये मैं राय नहीं देता, ये आपका पार्टी का इंटरनल मामला है, मगर पार्टी को जीरो तो नहीं किया जा सकता। आप मुझे राय दीजिए, अगर मैंने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उन्हें यह राय दी है कि पार्टी को मजबूत बनाओ, तो क्या मैंने गलत काम किया है, क्या अलोकतंत्र काम है या लोकतंत्र के अंदर प्रशासन है? आप ही से पूछता हूं सुभाष जी, आप इसका फैसला करो। नहीं, ठीक बात है, लोकतंत्र पक्ष विपक्ष दोनों से मिलकर ही बन सकता है, अन्यथा तो फिर वो चाइना और रशिया वाली ट्रेंड के ऊपर हम चले जाएंगे, और जो डेमोक्रेसी का एक असली स्वरूप है, जो हम जिसमें बिलीव करते हैं, और हमारी पौराणिक मान्यताएं भी उसी तरह की हैं, जिसमें कि हम श्रेष्ठ वर्ग से लगाकर तमाम सारे जो वर्ग थे उनको लेकर राज्यसभाएं चलाया करते थे, हमारे यहाँ पर इस तरह के उदाहरण। आपको एक मजेदार बात बता रहा हूं, 1.5 घंटे के हमारे वाद विवाद में गुलाम नबी ने एक बात भी निजी राजनीति की बात नहीं, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे बीच लोगों का जो भी संकल्प बना था वो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए नहीं बना था, कांग्रेस को सही रास्ते पर लिए बना था। इस पर मैंने गुलाम नबी ने कुछ नहीं माना, गुलाम नबी ने कहा कांग्रेस बसनी चाहिए, मैंने कहा आपके हमारे विचार मिलते हैं, इसलिए आपसे मिलना एक अच्छा काम है, गलत काम नहीं है। कई है कांग्रेस में ऐसे लोग जो चापलूसी करके, जी हजूरी करके और अपना निजी स्वार्थ देखने के लिए कांग्रेस का विनाश करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेता ही नहीं, उसकी चर्चा करता ही नहीं, पर मैं उन लोगों की प्रशंसा भी नहीं करता, पर जो देश से कांग्रेस को चाहते हैं, चाहना चाहिए, इस देश की 125 करोड़ में क्या मजबूत विपक्षी पार्टी नहीं बचनी चाहिए? आप ही बताइए, मेरे को जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कहा, बात पर कायम रहा, इससे मैं गया, उन्होंने बड़े प्रेम से मिले, 1.5 घंटे हमारी बातचीत हुई, और आगे बातचीत कैसे जाएगा, कुछ समाचार में चाहता था कि उनके माध्यम से सोनिया जी को पहुंच जाए, मुझे आश्वासन है कि वो पहुंचेगा, और पहले भी सोनिया जी को कई मामलों में मैंने मदद की है, अगर मेरी बात में दम होगा तो सोनिया जी भी उस पर विचार करेगी, और नहीं करेगी तो पार्टी उनकी है, फैसला उनका है, मेरा इसमें कोई लाभ नहीं, मेरी इसमें हानि नहीं, मेरा इसमें व्यापार नहीं, मेरा इसमें धंधा नहीं, मेरा इसमें सौदा नहीं, मेरा इसमें मसौदा नहीं, जो बात कहनी है वो कहनी चाहिए, वही आदमी सच्चा होता है जो सच्ची बात कहता है। ठीक है, आपने अपनी बात को अच्छे से रखा, और संभवतः
बात जाएगी भी, और बात जब जाती है तो दूर तलक भी जाती है। तो अब हम आपके कर्म भूमि की तरफ आते हैं और राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है इसके ऊपर एक आध बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जो व्यंग्यबाण चल रहे हैं, इनके पीछे किस तरह की बात आप देखते हैं, क्या है पूरा का पूरा मसला? आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने गजेंद्र शेखावत को मंत्री बनाया, ये उनका अधिकार था। सोनिया ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बन गया, ये उनका अधिकार था। फिर ये कैसी आपस के अंदर हल्की गिनोनी और थर्ड क्लास आरोपी है, क्या आपको क्या समझ करके प्रधानमंत्री ने बना दिया? तो कल वो कहेगा आपको क्या समझ कर सोनिया जी ने बना दिया। दोनों नेताओं ने दोनों को कुछ न कुछ समझ कर बनाया है। इस प्रकार के छिछले और ओछे आरोप लगाकर लोकतंत्र की मर्यादा को दोनों भंग कर रहे हो। गहलोत जी, आपको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि मोदी ने क्या समझ कर गजेंद्र को मंत्री बनाया, कुछ ही समझ के बनाया होगा, गलत समझते तो बनाते क्यों? और आपको सोनिया जी ने बनाया तो समझदारी से बनाया है, आपको गलत मानती तो सोनिया जी बनाती क्यों? फिर भी इस प्रकार के हल्के आरोप और दोषारोपण करने से आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे हो। आप दोनों को अहंकार से कहना चाहिए कि मुझे नरेंद्र मोदी ने योग्य मानकर बनाया, और आपको कहना चाहिए मुझे सोनिया गांधी ने श्रेष्ठ मानकर बनाया। तब तो कोई आपस की बात होती, आप क्यों मने वो क्यों मने, ये थूक फजीता ओछे आरोपित आरोप लगाने की बात। और फिर ये कहते ईपीआरसी का काम आपसे नहीं हुआ। अरे आपसे ईपीआरसी का नहीं हुआ तो आप तो सचिन का मुंह बंद नहीं हुआ? अपनी अपनी बातों को सुनो ना। मैं चाहता हूं मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, भयंकरतम विरोध के बावजूद भी कांग्रेस में आप जानते हो मैं व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि पार्टी के अंदर रहकर पार्टी की आस्था को जो कमजोर करते हैं उन आदमियों को मैं कोई पार्टी में पसंद नहीं करता। जब अखिलेश में अहंकार आ गया कि तो 100 सीट भी नहीं आएगी तो क्या हुआ, आपने देख लिया। इस प्रकार के गलत आरोप लगने से उचित नहीं होता। मैं आपसे क्या देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का तो देश में नंबर वन रहना अगले 10-15 वर्ष तक तय है, कोई चिंता की बात ही नहीं होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी में कई झगड़े हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाइयां हैं, कांग्रेस में सचिन और गहलोत के बीच लड़ाई है, ये होती रहेगी, इनको आप बुरा मत मानिए। लोकतंत्र के अंदर प्रतियोगिता होती है, अरे प्रतियोगिता से ही तो चीज सुधरती है। जब आप भी वन मैन उससे हो जाएगा तो क्या होगा, एंड में क्या हो जाएगा? इसलिए मैं कहता हूं जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मगर आरोप नहीं लगने चाहिए। आप अब राजस्थान का आपने हाल पूछा है, पहले दिन खबर आती है 3.5 करोड़ नकदे पकड़े गए अफसर के यहाँ, दूसरे दिन खबर 13 करोड़ की रिश्वत देते कोई अफसर पकड़ा गया, चौथे दिन आ जाता है कि चक्कू मार के कोई मारा गया, फिर आधा करोड़ में दंगे हो गए, हिंदू मुस्लिम की स्थिति। हम आपके पास आ रहे हैं इसके ऊपर, एक मिनट आप रुकिए, हम आपसे इस मुद्दे के ऊपर जानना चाहेंगे। लेकिन ये जो चर्चा चल रही है इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत वाली, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जोधपुर में दोनों नेताओं के आपस के जो, चूंकि अशोक गहलोत जी भी जोधपुर से ही आते हैं, उनका भी गृहनगर है वो, और गजेंद्र सिंह शेखावत भी जिस तरह से चुनाव जीते हैं, दूसरी बार भी जीते हैं और मजबूत पकड़ है उनकी वहां पर, उसको लेकर तो कहीं कोई बात नहीं है जिसको लेकर ये बयानबाजी चल रही है? ये तो होना ही चाहिए, दोनों से ये जगह के रहने वाले दोनों को राजनीति के तो टकराव होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? व्हाई नॉट, मैं इसको बुरा नहीं मानता, मगर आरोप नहीं होने चाहिए। अरे तुम्हारे में दम है तो जोधपुर जीत के बता देना, अगर तेरे में दम है तो तू जोधपुर जीत के बता देना। हाँ, तुमने हराया इसके बेटे को 3.5 लाख वोट से तो लोगों ने तालियां बजाई है ना, तुम्हारी जीत हुई है ना, और तुम जोधपुर का होकर के उसको मुख्यमंत्री के रोकने में कुछ नहीं कर पाए, ये तुम्हारी फेलियर हुई है। मैं कहता हूं यही जगह के दो आदमी हो तो इसमें क्या कॉम्पिटिशन होना चाहिए। लोकतंत्र में प्रतियोगिता का मैं प्रतंत्रक हूं, शत्रुता का नहीं हूं। ठीक बात, आलोचना का हूं, आरोपों का नहीं। अपने अपने विचार है, मेरा जीवन, तेरा जीवन, अपने सिद्धांत मेरे सिद्धांत, तेरे सिद्धांत मेरे सिद्धांत। हकीकत तो ये है कि हकीकत से मुंह मत फेरो। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आपको मौका मिला है और आप जोधपुर की सेवा नहीं कर पाते हो, और मिस्टर गहलोत आपको जोधपुर का चीफ मिनिस्टर बनाया है, आप जोधपुर की सेवा नहीं कर पाते हो, तो इसकी सजा तो जोधपुर की जनता देगी, न तो गजेंद्र गहलोत को देगा न गहलोत गजेंद्र को देगा। राइट, तो अब हम आते हैं जिस मुद्दे को आपने छेड़ा है, करौली में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हुई और अब वहां तनाव के हालात हैं, और सुनने में यह भी आ रहा है कि वहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, और एमएलए
इंजीनियर्स की पिटाई कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन आप देखते हैं राजस्थान में, किस तरह का माहौल चल रहा है? इसकी आलोचना का तो ज्यादा करती है अशोक गहलोत का। मेरे से आप ये सवाल पूछ रहे हो, मैं तो यही कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम दंगा होना ही नहीं चाहिए। ब्यावर में भी एक मुसलमान की हत्या हुई है, ये सब गंदे काम है। इनकी आलोचना मेरे करने से तो असर इन लोगों पर होगा नहीं, करे ना अशोक गहलोत और गजेंद्र दोनों मिलकर के, क्या हम इस हिंदू मुस्लिम विवाद के विरोध में है? हिंदुओं के पलायन की बात गलत है, पलायन हुआ तो रोक दिया जाएगा, पलायन करवाने वालों को सजा दी जाएगी, हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण दिया जाएगा, और ये भ्रष्टाचार की बात है तो रिश्वतखोरों को सजा दी जाएगी, बोलते क्यों नहीं? दोनों को बोलना चाहिए ना। फिर आता है कि मलिंगा के मामले में कभी कोई बचाता है कभी कोई बचाता है, अगर अपराधियों को बचाने की परंपरा है तो दोनों पार्टियों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। इसलिए तो शुद्धिकरण करना ही राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए, न तो युद्धीकरण करना चाहिए न उसका वो कहते गंदगीकरण करना चाहिए, करो ना शुद्धिकरण। आपने तो सुबह जी मामला छेड़ दिया, फैसला आप थोड़ी कर सकते हो। आपने बता दिया कि हिंदू मुस्लिम दंगे गलत हो रहे हैं, हिंदुओं का पलायन गलत हो रहा है, यू आर राइट। और फिर एक बात बता दूं, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कभी भी हिंदू मुस्लिमों के अंदर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का झगड़ा वहां पैदा होता है, अगर मान लीजिए है ही एक शहर के दो मोहल्लों में भी, एक मोहल्ले में हिंदू बहुसंख्यक है तो मुसलमान अल्पसंख्यक है, अगर वह हिंदू अल्पसंख्यक है तो मुसलमान बहुसंख्यक है। ये कोई एक सिटी या एक शहर के प्रांत का सवाल या एक प्रदेश का सवाल नहीं है, ये तो अलग अलग पॉकेट्स के अंदर हिंदू मुसलमानों के अंदर प्रेम मोहब्बत को बढ़ाने की बात है, संघर्ष की बात नहीं है। संघर्ष समाप्त करने के लिए एक मोहल्ले में एकता करनी पड़ेगी, ऐसा करना चाहिए। महात्मा गांधी अकेले थे, हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया। जयप्रकाश नारायण ने अपने आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया। अन्ना हजारे ने अपने आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया। यही नेता की पहचान है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान किसान कहा और जय हिंदू जय मुसलमान नहीं कहा। अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुण, उनका श्रेष्ठ उपयोग करना ही देशभक्ति और राष्ट्रीयता है। और मैं राष्ट्रीयता का कायल हूँ, आलोचना का कायल नहीं हूँ। मुझे मालूम है कौन व्यक्ति कितना है, किसी की ईमानदारी में दाग लगे हैं, किसी की बेईमानी के भरे हुए हैं कटोरे, लेकिन मैं बोलता नहीं क्योंकि मेरे बोलने की जरूरत नहीं, जनता सब जानती है। इस जनता के हजार आंखें हैं, शस्त्र बाहु की तरह हजार हाथ है, और हजार आंखें हैं भगवान इंद्र की तरह, ये जनता सब देखती है। और वक्त आने पर सजा देती है तो धज्जियां उड़ा देती है। जिसकी हजार आंखें हैं उसको दिखता तक नहीं है, जिसके हजार हाथ होते हैं वो आचमन तक नहीं कर पाता है। इसलिए मैं देश की जनता को ही प्रणाम करता हूँ। लोकतंत्र का रक्षक कोई पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है, लोकतंत्र की रक्षक इस देश की जनता है, इस देश का मतदाता है, इस देश का व्यक्ति है, इस देश का पत्रकार है, इस देश का लोकतंत्र है। एक चीज इसमें आपने जो अभी हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात कही है, महात्मा गांधी का भी नाम लिया आपने, देश की आजादी के बाद से जिस तरह के दृश्य बने हैं, बंटवारा हुआ है, भारत की दोनों भुजाएं कट गई हैं और दोनों तरफ जाने के मार्ग बंद हैं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन एक बात हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है, राजनीति को देख रहे हैं आप, गौर से देख रहे हैं और सामाजिक व्यवस्था को भी देख रहे हैं, एक तरह से सोशियोलॉजिकल भी आपकी नजरें हैं, तो भारत में विभिन्न शहरों में जैन भी आजकल अल्पसंख्यक कहते हैं अपने आप को, सिख भी अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन ये लोग रहते हैं जहां पर, वहां कोई उपद्रव या कोई तनाव नहीं होता है। आप जयपुर में देख लीजिए, सिख समुदाय भी रहता है, जैन समुदाय भी बहुत रहता है, या कि जोधपुर में देख लीजिए, कोटा में चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, अहमदाबाद से लगाकर बंबई दिल्ली सब जगह है। लेकिन क्या कारण है कि एक समुदाय विशेष इस तरह की गड़बड़े करता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी? उकसाने का काम करते हैं लोग, परदेश की पर मोहब्बत खींचती है, उकसाने का काम करते हैं, समझे, धर्म की आड़ के अंदर लोगों की आस्थाएं कहीं और हो जाती है। अगर एक दास एक देश और एक देश के प्रति इनकी आस्थाएं बंधी भी रहे तो उपद्रव होंगे ही नहीं। झगड़ा तब होता है जब निजी स्वार्थों का टकराव होता है। हिंदू और मुसलमानों जब एक साथ रहेंगे और दोनों के जय वंदे मातरम निकलेगा, भारत माता की जय निकलेगा, इस देश की जय निकलेगा, लाल किले का लाल झंडा दिखेगा, तब झगड़े कैसे होंगे? इसके कारण कुछ और होते हैं। इसका उदाहरण क्रिकेट का मैच, क्रिकेट के मैच में जब भारत की टीम जीतती है तो वर्ग विशेष तालियां बजाता है, जब दुश्मन जीतते हैं तो वर्ग विशेष तालियां बजाता है। आप सब इसको देखिए, मैं चाहता हूं इस देश के सारे नेता इसको समझें और लोगों को समझाएं कि आखिर आपका डिफरेंस का रीजन क्या है। रोटी का झगड़ा नहीं,
पानी का झगड़ा नहीं, एक नल से पानी पीते हो, एक खेत का धान खाते हो, एक साथ रहते हो, एक गाय का दूध पीते हो, एक चाय की पत्ती से चाय बनती है, फिर ये झगड़ा क्यों? झगड़ा है आस्था। एक आस्था चीज़... प्रॉब्लम भी हो जाती है तब झगड़ा होता है। आपने सही प्रश्न पूछा है। आपने एक चर्चा जब छेड़ी है तो आजकल एक फतवा बहुत ज्यादा वायरल है, उसमें एक मौलाना ने ये कहा है कि ये जो खेतों में फसल बोई जाती है इसमें गाय का गोबर और गोमूत्र डालते हैं हिंदू लोग, इसलिए अनाज खाना बंद कर दो, ये फतवा है। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, सवाल आपसे एक दूसरा है। क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और पूरा देश मना रहा है और सरकारें भी आयोजन कर रही हैं, लेकिन भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब बात कही थी ये कि जब देश का पॉपुलेशन के आधार पर, मजहब के आधार पर बंटवारा हो रहा है तो फिर कंप्लीट बंटवारा होना चाहिए, क्या अंबेडकर साहब आज प्रासंगिक लगते हैं आपको, जब हमारा ये मुद्दा चल ही रहा है कि इस्लाम टेरिटरी को नहीं मानता है, देश की सीमाओं को नहीं मानता है, इसको इसको प्रासंगिक करते हुए आप बताइए, क्योंकि आप उस समय से देखते आ रहे हैं। अगर अगर नहीं मानता तो आजाद कश्मीर की सीमा को अलग क्यों मानता? मानता है, मानता है, इस्लाम भी मानता है देश की सीमा को। अब उन्होंने कहा गाय का गोबर डाले उस खेत का मत खाओ, तो भैंस का ही डलवा दो खाली। अरे क्या बच्चों वाली बातें करते हो, अरे नेचर है, खाद इज खाद, ऊंट का हो, मिंगनी का हो, गाय का हो, भैंस का हो, क्या फर्क है? जिस मौलाना ने यह बात कही है उसका IQ टेस्ट करवाई, उसकी इंटेलिजेंट कोफिशिएंट टेस्ट करवाई, उसको आगरा भेजकर उसका एग्जामिनेशन करवाई। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करना, कल तो कह देंगे कि इस देश की हवा में हिंदू सांस लेता है, इससे मुसलमान गुंडे। यस, ये बात आने वाली है, आने वाली है, ये बात ऐसी बात है। और जबकि आप देखिए कि जिन्होंने इस्लाम को शुरू किया, प्रॉफेट मोहम्मद ये कहा करते थे कि मुझे हिंद से ठंडी हवाएं आती हैं, ज्ञान की ठंडी हवाएं आती हैं, और वही हिंदुस्तान इनको खा रहा है। ऐसे नहीं है, मुसलमानों में बड़े बड़े पीर पैगंबर अच्छे लोग हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं। आपको ताज्जुब होगा, जोधाबाई के अंदर भगवान का मंदिर रवाना करके अकबर ने उनको अपने साथ, ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, जोधाबाई का कंट्रोवर्शियल मामला है, और ये अभी तक इतिहासकार भी नहीं खोज पाए कि जोधाबाई नाम का कैरेक्टर था या नहीं था, ये हम आपको बताने केवल पिक्चर था, इतिहास हमने जो इतिहास पढ़ा उसको पिक्चर, आप सुभाष जी इतिहास को चुनौती में वो किसी और दिन डिबेट कर सकते हैं, ये मुद्दा कंट्रोवर्शियल है, वो भी कर लेंगे। और जोधा नाम की कोई पत्नी अकबर की पत्नी नहीं थी, फिल्में बना देने से काम नहीं चलता है, फिल्मों ने मेरे को इसके बारे में जो इतिहास, मेरी नॉलेज इतिहास के प्रश्नों पर निर्भर है। संतोषी माता का नाम सुना है क्या आपने? संतोषी माता का नाम सुना है कभी? हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है। अरे केवल व्रत रखा है मैंने कई बार, केवल फिल्म की वजह से चला है, कोई धर्म ग्रंथ में संतोषी माता का नाम नहीं है ना। फिल्म तो अब बनी है, मैं तो बचपन में उनका व्रत किया करता था, खटाई खाते नहीं थे, चने खाते थे। ये तो अपनी अपनी भावना है सुभाष जी, मैं किसी ईश्वरीय और ऐतिहासिक व्यक्तित्व को चुनौती नहीं देता। जोधाबाई की जो बात है हम आपसे फिर कभी बात कर लेंगे, जोधाबाई का जो मसला है ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस की देन है, और ये नाम नहीं है, ये वहां मरियम उज़्ज़मानी का नाम है, फतेहपुर सीकरी में भी जोधाबाई नाम को लेकर कंट्रोवर्सी है, इसको कभी डिबेट अभी भारत सरकार आप सही हो सकते हो, मैं आपकी बात को चुनौती नहीं देता हूँ, मगर हमने तो जितना पढ़ा उतनी हमारी नॉलेज है। कमरुद्दीन आसिफ जो में 12वीं में 14वीं में हाँ तो वो पढ़ाया गया ना, आप देखे ना, आप पढ़ाया गया। आप ये बात, यहाँ ये बात आ रही है, लंबी चली जाएगी डिबेट, इसलिए हम इसको कट शॉर्ट कर रहे हैं। कमरुद्दीन आसिफ ने ये जो फिल्म बनाई, इसके बाद से ये जहन में आ गया सबके कि कोई जोधा नाम की पत्नी थी अकबर की। नंबर एक, फिल्म का बहुत बड़ा असर होता था, फिल्म सारी चीजों को तहस-नहस कर देती है और इतिहास को एक नए सिरे से लिख डालती है। दूसरी बात ये है कि ये जो आप फिल्मों पर इतिहास को भ्रमित करने का दोषारोपण कर रहे हो सुभाष। यस, आई टेक इट, यू कैन डू इट, यस कर सकते हो, मुझे क्या कारण इसका ये है, इसका कारण एक और है, इसका कारण आप देखिए कि हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का जो गंगा जमनी जो हमने संस्कृति बनाई है, इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी डिबेट की भी जरूरत है। आज जो ये चीजें अखर रही हैं, लोगों को बाहर आ रही हैं चीजें, इसका कारण भी वही है कि मौलाना जो मदरसे में पढ़े हुए थे उनको भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया, जिनको फॉर्मल एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था, और वहां पर जिस तरह का इतिहास लिखा गया। देखो सुभाष जी, मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता हूं, इसीलिए हम नहीं चाहते थे आप प्रश्न करता कुछ भी करो, मैं इतिहास का सम्मान करता हूँ और भगवान का सम्मान करता हूँ। तोड़ मरोड़ के पेश किया गया इतिहास, इतिहास नहीं होता। फिर कहेंगे ना अपन,
एक दिन जोधा भाई को लेके पत्थर, यस बात करेंगे, जबरदस्त डिबेट करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, जबरदस्त डिबेट करेंगे। मैं इतिहास के संस्करण लेके आऊंगा और आप भी इतिहास के संस्करण लेकर के आना, हमारी डिबेट का मजा श्रोताओं को आएगा, सुनने वालों को आएगा। अबुल फजल ने भी जोधा भाई नहीं लिखा, अकबर का जो बायोग्राफर, हाँ बायोग्राफर जो था जिससे कि अकबर ने अपनी जीवनी लिखवाई है, वहां पर भी जोधा नाम नहीं है। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम नहीं चाह रहे ना। मैं तो आज का टॉपिक नहीं है, नहीं है कि मेरी हर बात सच हो, ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो असहमति जताई थी कांग्रेस से, उसके बारे में हम आपके विचार जानना चाह रहे थे कि ये आज चूंकि उनकी जन्म जयंती का अवसर है, इसलिए वो एक प्रासंगिकता रखती है बात कि भीमराव अंबेडकर साहब के जो विचार थे इस्लाम को लेकर खास तौर पर, वो आपको पता है क्या कि ये जो इस्लाम की बात नहीं, मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आज मेरे को भीमराव जयंती की नॉलेज कम है, महावीर जयंती की ज्यादा है। हाँ नहीं, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई, महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई। जो बात मैं जानता नहीं मैं उसको स्वीकार करता हूँ, राइट, मैं कभी तर्क नहीं करता, स्वीकार नहीं। आपकी बात, आप इन विषयों पर मेरे से ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे तर्क नहीं करना। नहीं ठीक है, हमने करौली के इश्यू पे जब बात चली और गंगा जमुनी बात चल रही थी उस मामले में जानना चाह रहे थे, लेकिन एनीवे संविधान सभा के वो जिस तरह से उन्होंने संविधान को दिया है हमारे देश को, इसलिए वो बातें रिलेवेंस में हैं, आज भी हैं, और उनके ऊपर कभी चर्चा करेंगे आपसे। और भीमराव अम्बेडकर की कुछ बुक्स भी मैं आपको दूंगा, जिससे कि वो चीज़ जो है वो आपको भी मतलब अब चूंकि ये प्रासंगिकता में आ चुकी हैं चीज़ें, इसलिए वो जरूरी है। और आपको एक बार पुनः महावीर जयंती की इस पुण्य अवसर पर बहुत बहुत बधाई, पूरे देशवासियों को हमारी ओर से बधाई। और अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे, लेकिन कोई ऐसी बात जो हम आपसे न पूछ पाए हो वो और आप रख लीजिए, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। एक बात है, आप भी की नॉलेज लिमिटेड होती और विषय अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए आपके किसी प्रश्न का अगर मैं समयोचित उत्तर न दे सका हूं तो आप उसको बुरा मत माना ना, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी नॉलेज की सर्व प्रासंगिकता का ठेका नहीं लेता। ना, इसमें आप मत पढ़िए, इसमें मत पढ़िए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रश्न नहीं करना इसमें, हम पढ़ना नहीं, वो तो बातें चलती हैं तो दूर तक जाती हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बात जब चलती है तो दूर तक जाती है तो, और लेकिन दो लोग बैठते हैं तो बात भी खुलती है बाद में। जी ये बात सही है, और कोई आदेश? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चंद्रराजी सिंह भी, हमारे कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल के सूत्रधार। आपने जाना कि किस तरह की राजनीति देश में चल रही है, किस तरह से नेता बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है। खास तौर पर आज हमने राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर भी बात की और कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी चंद्रराजी के विचार जाने। और आप सबसे भी हम आग्रह करेंगे कि कश्मीर में ये जो कुछ चल रहा है इसके ऊपर आप भी अपनी राय से हमें अवगत जरूर करवाइए। तो ये था हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम सभी व्यूअर्स का आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही आई विश यू गुड लक सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।